हेलो स्टूडेंट, आज शुरू होगी यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है, आज शुरू होगी यूनिट 4। यूनिट 4 है अंडरस्टैंडिंग हारमोनी इन द नेचर एंड एक्सिस्टेंस, होल एक्सिस्टेंट एज को एक्सिस्टेंस। ठीक है, यानी कि समझना, सामंजस्य को समझना प्रकृति में और उसके अस्तित्व को, होल एक्सिस्टेंस एज को एक्सिस्टेंस, संपूर्ण अस्तित्व को और सहायक अस्तित्व को। ठीक है, वी हैव एक्सप्लोर्ड वेरियस एलिमेंट एंड एस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज इन ह्यूमन देयर 3 लेवल, इंडिविजुअली, फैमिली एंड सोसाइटी। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ ह्यूमन वैल्यूज के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 ही पक्ष होते हैं। एक होता है फैमिली पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सोसाइटी, और पहले नंबर पे इंडिविजुअली आप स्वयं हो, सेकेंड नंबर पे फैमिली है, और थर्ड नंबर पे सोसाइटी है। वी फाउंड दैट बेसिक एस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन आर कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और सबसे ज़्यादा बेसिक एस्पायरेशन है मानव जाति की कि वो लगातार खुशी और प्रॉस्पेरिटी चाहता है। हैप्पीनेस इज टू अंडरस्टैंड राइटली एंड लिव इन हारमोनी एट द 3 लेवल। खुशी को समझना है सही तरीके से तो इसकी हारमोनीज के सामंजस्य को तीनों स्तर पर हमें समान रूप से समझना होगा। वी हैव सीन द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन इन सेल्फ। हमें अपने पार्टिसिपेशन को अब स्वयं के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ सह अस्तित्व बनाए और दूसरे मानव के साथ सह अस्तित्व बनाना होगा। इन दिस यूनिट वी विल एक्सप्लोर द हारमोनी एट द 4th लेवल। अब हम यहाँ पर इस 3 लेवल के अलावा भी 4th लेवल होता है उसके बारे में बात करेंगे। वी विल स्टडी ऑल द 4 ऑर्डर इन नेचर, देन देयर एक्सिस्टेंस एंड हारमोनी। अब हम पढ़ाई करेंगे 4th लेवल की, यानी कि नेचर की, प्रकृति की, उसके अस्तित्व की और उसके सामंजस्य की। सबसे पहले नेचर, नंबर 1 नेचर, अंडरस्टैंडिंग हारमोनी इन नेचर एंड एक्सिस्टेंस। नेचर द ट्रूथ, सच द अल्टीमेट पावर, द एक्सिस्टेंस ऑफ बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, एनीथिंग और अर्थ और बियॉन्ड इट इज इंक्लूडेड इन नेचर। यदि हम देखें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो पृथ्वी में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, विच फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंटिन्यू इट्स ऑन एक्सिस्टेंस। यदि इनके अस्तित्व को बनाए रखना है तो रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। एंड अदर लिव इन देयर ऑन वे इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जब हम इनके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं तो हम इसको नेचुरल थिंग कहते हैं। नेचुरल थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट, ट्री, माउंटेन, सन, मून, स्टार्स, रिवर, ओशियन, एनिमल, थिंग, क्रेचर, ह्यूमन बींग्स, etc. नेचुरल थिंग्स में क्या क्या चीज़ आती हैं? प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आती हैं, माउंटेन आते हैं, सूर्य आते हैं, मून आते हैं, स्टार्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, ओशियन आते हैं, एनिमल आते हैं, थिंग क्रिएचर, जितने भी प्राणी हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, वो भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स और मानव जाति आती है। अभी आप देखो, नेचर जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन वर्ड नेचर विच स्टैंड फॉर इसेंशियल क्वालिटीज इनेट डिस्पोजिशन। इफ वी सी द लिटरेली मीनिंग ऑफ नेचर, इट मीन्स बर्थ। यदि हम इसका साहित्यिक अर्थ देखें तो नेचर का मतलब होता है बर्थ, जन्म लेना। आफ्टर फर्दर रिसर्च इस वॉज डिस्क्लोज दैट नेचर इज द लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक वर्ड फिजिक्स विद मीन्स इंट्रेंसिक करेक्टरिस्टिक। जब हमने इसके ज़्यादा जानकारी ली नेचर के बारे में तो हमें पता लगा कि नेचर जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फिजिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उसका ट्रांसलेशन है, जिसका मतलब है अंदर आंतरिक चारित्रिक विशेषताएं। तो हम ओरिजिन ऑफ नेचर एंड इट्स मीनिंग को हम इस तरीके से समझते हैं, फिजिक्स, नेचुरा और नेचर। नेचर ऑफ नेचर, प्रकृति की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, कैसी है। द यूनिवर्सल ट्रूथ इज दैट नेचर चेंज। ये वास्तव में सात्विक सत्य है कि प्रकृति बदलती है। एवरीथिंग दैट कम्स